हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है आपका 25 मई, याद रखिए। तो आज है 25 मई, 25 मई से जितने भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करें, चाहे SSC, रेलवे, UPSC, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, तो लगभग आपके सभी एग्ज़ाम को कवर कराएगी। साथ ही साथ आपको डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। और जहाँ से इसके फ़ायदे अगर मैं बता दूँ, कोई भी एग्ज़ाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे होंगे तो मात्र आप 10 से 15 मिनट दिन में एक दिन में लगाते हैं, तो यकीन मानिए आपके एग्ज़ाम के टाइम पूरे में से पूरे नंबर करंट अफेयर्स में ला सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन की बात करूँ, 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है और कभी कभी इसका वेटेज जो है 8 से 10 भी पूछा जाता है, कभी कभी बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ से आप डेली बेस पे पढ़ सकते हैं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। फेसबुक, इंस्टाग्राम से तो अच्छा कम से कम अपने भविष्य के लिए 10 से 15 मिनट आप करंट अफेयर्स में लगा सकते हैं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं। तो हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 3रा संस्करण ये आपका कहाँ पर शुरू किया गया है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, आपके वाराणसी में, गोरखपुर में, तो मतलब उत्तर प्रदेश के बहुत सारे यहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट में, ज़िलों में इसका आयोजन किया जाएगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। ये आपका आज से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें लगभग 400 जो एथलीट प्लेयर है इसमें भाग लेंगे और आपके बड़े स्तर पर इसको किया जा रहा है। तो इसको याद रखिए, अलग अलग इसमें खेल जो युवा है इसमें हिस्सा लेंगे। इसका आयोजन है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और बहुत से ज़िलों में इसका आयोजन किया जाएगा। तो इसको याद रखें, उत्तर प्रदेश की बात करूँ इसकी राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल वर्तमान में यहाँ के गवर्नर हैं, राज्यपाल है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में UT खादर किस राज्य की विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष इनको चुने गए हैं? उड़ीसा के लिए, कर्नाटक के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो हाल ही में जो UT खादर है आपके, इनको मुस्लिम अध्यक्ष हैं, इनको हाल ही में कर्नाटक राज्य के विधानसभा के, याद रखिए, विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष इनको चुना गया है UT खादर को। कहाँ के, कौन से राज्य? तो कर्नाटक के। तो ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टाटा केमिकल्स ने किसे अपना MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अतुल करवाल को, संजीव सानियाल, आर मुकुंदन या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर मुकुंदन, याद रखिएगा। तो हाल ही में जो टाटा केमिकल्स के जो आप मार्केट में देखते होंगे, यहाँ केमिकल्स जाने माने कंपनी हैं, तो इनके बहुत सारे केमिकल्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा खेत वगैरह में। बहुत सारे इसके टाटा केमिकल्स के नाम से आता है प्रोडक्ट वगैरह। ये आपके टाटा केमिकल्स के MD और CEO के रूप में आर मुकुंदन को इसके MD CEO के रूप में बनाया गया है। इसको याद रखिए, इनको निर्देशक बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों के लिए लाइव वीडियो चैट की शुरुआत की है? BOB ने, SBI ने, PNB ने या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका BOB। इसको आपका बैंक ऑफ बड़ौदा कहते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों के लिए एक नया फीचर यहाँ पे लॉन्च किया है, लाइव वीडियो, जिसके माध्यम से कोई भी दिक्कत आती है कस्टमर को, मतलब वीडियो चैट के माध्यम से इसको सॉल्व किया जाएगा। यह जो प्रोसेस है इसको बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा स्टार्ट किया, मतलब कस्टमर ग्राहक को लेकर यहाँ पे बार बार, मतलब पूरा डिजिटलीकरण इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना होकर इसको, इस सुविधा को कस्टमर को, ग्राहक को दिया जा रहा है, जिसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सौरभ गांगुली किस राज्य के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो गुजरात, कर्नाटक, त्रिपुरा या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा राज्य के। हाल ही में जो सौरभ गांगुली, सभी जानते होंगे, तो सौरभ गांगुली को आपके त्रिपुरा राज्य के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर, ये आप क्या समझते हैं? तो जितने भी यहाँ के जो त्रिपुरा जो राज्य, जितने भी पर्यटन क्षेत्र जहाँ पे घूमने लायक है, तो यहाँ के इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं, मतलब ये आपके प्रचार प्रसार करते हुए दिखेंगे त्रिपुरा राज्य के लिए। तो मतलब इनको जितने भी त्रिपुरा राज्य में जो टूरिज्म है, पर्यटक जो क्षेत्र, इसको मतलब बढ़ावा देने के लिए इसको इनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सौरभ गांगुली को बनाया गया है। कौन से राज्य ने? त्रिपुरा राज्य ने।
इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंडियन कॉमनवेल्थ डे, ये आपका राष्ट्रमंडल खेल को बोला जा रहा है, तो इंडियन कॉमनवेल्थ डे 2023 कब मनाया गया है, तो 22 मई को, 24 मई को, 23 मई को, या इनमें से कोई इसका जो डे है इंडियन कॉमनवेल्थ डे, यहाँ पे 24 मई को इसको मनाया गया है, इसको याद रखिएगा। ये आपका लोगों को जागरूक करने के लिए खास करके इसको मनाया जाता है। तो इंडियन कॉमनवेल्थ, जिसको हम राष्ट्रमंडल खेल के नाम से इसको जाना जाता है, यह 24 मई को यह दिवस को मनाया जाता है, पूरे आपके राष्ट्रीय लेवल पे इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे भारतीय सेना का नया MGS नियुक्त किया गया है, तो जयंत बाजवा को, बलवंत सिंह को, अमरदीप सिंह औजाला जी को, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके जो लेफ्टिनेंट जो आपके अमरदीप सिंह औजाला, ये आपके इंडियन आर्मी के, इनको हाल ही में आपके भारतीय सेना का नया इनको प्रमुख बनाया गया है। याद रखिए अमरदीप सिंह अब हमारे भारतीय सेना के नए इनको प्रमुख बनाया गया है, किसको याद रखिएगा। आपके 8 अधिकारियों में से आपके एक इनको हेड बनाया गया है इंडियन आर्मी में, किसको याद रखिए भारतीय सेना का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जयप्रकाश, डॉक्टर के गोविंद राज को, या आपके प्रशांत मिश्रा को, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर के गोविंद राज, याद रखिएगा। इनको हाल ही में जो बास्केटबॉल जो टीम है, इसके जो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है डॉक्टर के गोविंद राज जी को, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया रखा गया है, तो आपके फिजी देश, ऑस्ट्रेलिया, जापान, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। तो ऑस्ट्रेलिया में एक पार्क है, हैरिस पार्क का नाम है, जो आपके बच्चों के लिए इस पार्क को जाना जाता है, खास करके बच्चों के लिए इसको बनाया गया है। तो हैरिस पार्क का नाम बदलकर आपके ये लिटिल इंडिया इसको रखा गया है, तो नाम को चेंज कर हैरिस पार्क से चेंज करके इसको लिटिल इंडिया पार्क रखा गया है। तो आपके ऑस्ट्रेलिया देश की बात है, तो ऑस्ट्रेलिया की आपके पार्क को नाम को चेंज किया है, तो इसको याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, राजधानी कैनबरा, इसको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में राजधानी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ डिजिटल इंडिया संवाद आयोजित किया गया है, बेंगलुरु में, मुंबई में, नई दिल्ली में, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हाल ही में डिजिटल इंडिया संवाद आयोजित किया गया है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है ये डिजिटल इंडिया संवाद अब लोग जो है आपका डिजिटलीकरण के माध्यम से सभी को किया जाता है, किसी की तरह जो सरकार है यहाँ की डिजिटल इंडिया, इसमें हमारा हर सेक्टर को मतलब लोगों को जो जानकारी है सरकार के पहुँचाने के लिए इसको डिजिटलीकरण माध्यम से लोगों तक पहुँचाने के लिए इस सेवा को स्टार्ट किया है। पहले बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था, अब ये सेकेंड में आपका मुंबई में किया जा रहा है, इसको याद रखिएगा। तो लोगों तक जो सरकार की योजना वगैरह, चाहे साइबर क्राइम मतलब साइबर से संबंधित हो, चाहे एजुकेशन से संबंधित, मतलब कोई भी सेक्टर हो, सरकार के या आपके डिजिटलीकरण के लोगों तक यह जानकारी पहुंचाया जाएगा कि आपके मुंबई में इसको स्टार्ट किया गया। पहले बेंगलुरु में किया गया था, लेकिन अब इसको महाराष्ट्र के राजधानी मुंबई में एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री थे, इसको याद रखिएगा। और इसको महानगरी के नाम से इसको जाना जाता है मुंबई को, इसको भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी हैंके के, याद रखिए हाल ही में जारी हैंके के वार्षिक दुख सूचकांक में, अनहैप्पी सूचकांक में बोला गया है, सबसे ज़्यादा दुखी देश के जो सूचकांक जारी करता है आपके हैंके, याद रखिएगा। जो हैंके जो है आपके मतलब कौन सा देश जो आपके सबसे प्रभावित मतलब देश है, मतलब यहाँ पर मतलब लोग कई तरह से दुख मतलब दुख पा रहे हैं, ऐसे टाइप के आपके रैंकिंग जारी करता है, लिस्ट जारी करता है, तो इसी में हैंके वार्षिक दुख सूचकांक में कौन से स्थान पर है, जिम्बाब्वे, सूडान, मोरक्को, या इनमें से कोई नहीं। आपका जिम्बाब्वे देश, याद रखिए जिम्बाब्वे देश जो देश है आपका, ये हैंके वार्षिक दुख सूचकांक में इनको शीर्ष स्थान पर रखा गया है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर ने किसे मानद उपाधि प्रदान की है, अक्षय कुमार को, विराट कोहली, सोनू सूद, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनू सूद, इनको जानते होंगे, जाने माने एक्टर हैं। तो हाल ही में जो अपेक्स यूनिवर्सिटी है जयपुर के, इनके द्वारा अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर के द्वारा सोनू सूद को इनको मानद उपाधि से प्रदान किया गया, मतलब कौन से काम के लिए इनको मानद उपाधि दी गई है आपने, मतलब समाज के लिए बेस्ट काम करने के लिए, सोनू सूद को सभी जानते होंगे, चर्चा में रहते हैं, तो इनको समाज के लिए बेस्ट काम करने के लिए इनको यह उपाधि दी गई। साथ ही साथ वहाँ पे
इस अपेक्स यूनिवर्सिटी जो जयपुर है यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जाके स्टूडेंट को यहाँ पे मोटिवेट भी किया है, उनके फ्यूचर के बारे में बहुत सारे बात यहाँ पे किए हैं। तो उनके अच्छे काम के लिए अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर ने उनको मानक उपाधि से इनको प्रदान की है। सोनू सूद जाने माने एक्टर हैं, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनू सूद। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में आईपीएल के एक सीज़न में, याद रखिएगा इंडियन प्रीमियर लीग इसका फुल फॉर्म होता है, तो जो आईपीएल चल रहा है, तो आईपीएल के एक सीज़न में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बना है? तो रिंकू सिंह, शुभमन गिल, ईशान किशन या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शुभमन गिल, याद रखिएगा हमारे इंडियन क्रिकेटर हैं अभी वर्तमान में आईपीएल में, इंडियन प्रीमियर लीग में आपके गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हैं। तो शुभमन गिल ने इंडियन प्रीमियर लीग में इन्होंने एक सीज़न में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं, मतलब नए बैच के हैं, मतलब युवा हैं। तो हाल ही में इसको मतलब 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं आईपीएल में, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस देश को 20 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे गए हैं? तो इंजन इनको प्रदान किए गए, तो फिजी को, नेपाल को, बांग्लादेश को या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो हाल ही में बांग्लादेश के जो हमारे जो भारत के संबंध अच्छे मतलब चलते रहते हैं, कुछ समय कुछ टाइम पहले जो भारत के द्वारा बहुत सारे बस यहाँ पर प्रोवाइड भी किया गया था, तो बांग्लादेश को हाल ही में हमारे भारतीय रेलवे ने, इंडिया रेलवे ने लगभग 20 ब्रॉड गेज इंजन यहाँ पे सौंपे गए हैं बांग्लादेश को, याद रखिएगा। यहाँ की राजधानी है ढाका, यहाँ की करेंसी को टाका के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। तो बांग्लादेश को यहाँ 10 ब्रॉड जो गेज इंजन है भारतीय रेलवे के द्वारा दिया गया है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? आसिफा गफूर, रयाना बरनावी या हमा नासरीन या इनमें से कोई नहीं। जिसको रयाना जो बरनावी है या के अरब के संयुक्त अरब अमीरात के रहने वाले हैं, इन्होंने अंतरिक्ष में, याद रखिएगा, अंतरिक्ष में जाने वाली पहला अरब महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है, याद रखिएगा। तो नाम को याद रखें, रयाना बरनावी इन्होंने अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है, इसको याद रखिएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के करंट अफेयर्स में। थैंक यू।